टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में महिलाओं ने इकट्ठा होकर बड़ी संख्या में महिला दिवस हिजाब पहनकर मनाया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब विवाद चल रहा है और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है और हिजाब के समर्थन में तमाम महिलाएं मर्जिया पठान के नेतृत्व में ये महिलाएं महिला दिवस के मौके पर हिजाब पहनकर आज मुमरा के अमृत नगर से पुलिस स्टेशन तक चल कर गई और वहाँ पर हिजाब के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। महिलाओं का उद्देश्य साफ है कि हिजाब हमारा अधिकार है और हमसे कोई भी हमारा अधिकार छीन नहीं सकता है। और आज बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा होकर महिला दिवस के मौके पर हिजाब पहनकर ये महिला दिवस मनाया है और इस मौके पर मर्जिया पठान और तमाम महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज वर्ल्ड वुमेन्स डे है। पूरी दुनिया में ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज वुमेन्स डे, औरतों के हक और अधिकार के लिए, उनके राइट्स के लिए। बट आप देखेंगे कि बहुत जगहों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है औरतों की राइट्स को लेकर। जो हमने ये जो रैली निकाली, इट्स नॉट अ प्रोटेस्ट, इट्स नॉट एनी हेट मैसेज, ये कोई प्रोटेस्ट आंदोलन नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हमने ये रैली निकाली है कि जब देखिए पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है। कोई अलग तरीके से करता है, कोई कुछ अलग तरीके से करता है, कोई कुकिंग कॉम्पिटिशन रख के करता है, तो कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट रख के करता है। तो हम एज मुस्लिम वुमेन हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करके इसको करना चाहते थे, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि हम क्यों ना वुमेंस डे को हिजाब डे से एक मिक्स करके ये कॉन्सेप्ट को बनाया जाए, उसके साथ सेलिब्रेट किया जाए। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं माशाल्लाह हु आर डूइंग इनक्रेडिबली ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग हिजाब को पहनते हुए। वुमेन आर डूइंग स्पोर्ट्स, वुमेन आर डूइंग गुड इन लॉ, डॉक्टर्स बन रहे हैं औरतें, मैंने UPSC अटेम्प्ट किया है, आई एम इनटू सोशल वर्क नाउ। तो हमारा जो कल्चर है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपने हिजाब में रह के, अपनी डिग्निटी में रहकर हर चीज़ कर सकते हैं, पढ़ाई हासिल कर सकते हैं, करियर हासिल कर सकते हैं। तो यही चीज़ को एक कॉन्सेप्ट था कि हम हिजाब को लेकर करना चाहते हैं, एक मिक्स वुमेंस डे के साथ हम हिजाब को जोड़कर एक सेलिब्रेशन करना चाहते थे अपने लोगों, मतलब हमारे कल्चर के हिसाब से। तो इसीलिए ये रखा है, जो भी जितनी भी सारे डॉक्टर्स हैं और टीचर्स हैं और एडवोकेट हैं, हम उनको फेलिसिटेट करेंगे, अभी उनको मेडल्स देंगे, मेडल पहनाएंगे एज एन ऑनर के आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड वी कीप डूइंग इट एवरी ईयर। मार्च 8 को हम लोग अब से हर साल हिजाब के कॉम्बिनेशन में वुमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। मैडम आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम शेख लुबना मुस्तकीम है। क्या बताओगे हिजाब के बारे में, बीच में राजकरण शुरू था लेकिन हिजाब को लेकर कर्नाटक सरकार रहेगी, वहाँ के श्रीराम सेना ने विरोध किया था, समर्थ आज 8 मार्च महिला दिन है, किस तरह से रैली में सहभाग हो गया और जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे भी हिजाब पहन के आप काम करते हो, क्या बताना? जी मेरा नाम शेख लुबना है, मैं हम लोग 8 आवर्स एज अ टीचर हम लोग जॉब करते हैं, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू हिजाब में रहते हैं, एंड वी फील प्राउड, वी आर वेयरिंग हिजाब, वी आर फीलिंग प्राउड। सो हाँ, हमको यही बोलना है कि जो कर्नाटक में हुआ है उस चीज़ की वजह से ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, वी हैव टू स्टैंड फॉर दिस, हिजाब इज़ वेरी प्रोटेक्ट फॉर अस, सो प्लीज़ बी अस फॉर हिजाब, दैट्स इट। मॅडम काय सांगाल, एक नगरसेविका म्हणून तुम्ही महापालिकेत किती वर्ष काढलेत, हिजाब घालून यायच्या, आता सध्या कर्नाटक सरकारमध्ये चालू आहे जे हिजाब बंदी, ड्रेस कोड बंदी, जीन्स बंदी, कसं बघताय तिकडे आणि आज महिला दिन निमित्त? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हिजाबाला लोक एक वेगळे प्रकारे बघतात, मग मला असं वाटतं की असं बघू नये त्यांनी, कारण की हिजाब हा प्रोटेक्शनसाठी असते। जसं आपण बघायला गेलं तर जैन लोक एक मास्क लावतात, आणि आपण जर राजस्थान साईडला बघितलं तर एक घुंगट करतात ती लोकं, आणि इतर पण म्हणजे याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक हिजाब घेतात, तर त्याला हिजाब म्हणून आम्ही बुरख्यामधून वेअर करतो आहे म्हणून त्याला एक वेगळ्या प्रकारचं वळण देणं, किंवा काही समाजकंठ असतात जी लोक ह्याला एक वेगळा काहीतरी वळण द्यायचं प्रकरण करतात, आणि लोकांमध्ये एक विचित्र म्हणजे एक विचित्र काय म्हणतात चित्र निर्माण करतात की हिंदू मुस्लिमचं असं काहीतरी, तर हे फार चुकीचं आहे। मला असं वाटते की असं करणं हे फार चुकीचं आहे, त्याच निमित्ताने आज मर्जिया पठाण यांनी हा कार्यक्रम इथं घेतलेला आहे,
वुमेन्स डे साठी की वुमन्स जे आहेत फक्त बुरख्यामध्ये तर एक आम्ही राजकारणामध्येच नाही आहोत तर वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये आम्ही आहोत. कारण की बघायला गेलं तर डॉक्टर्स आमचे हिजाबमध्ये बरेचसे लेडीज जे आहेत ते डॉक्टर झालेले आहेत, ॲडव्होकेट झालेले आहेत आणि वेगवेगळे म्हणजे पोस्टवरती आहेत. आमचे एक बामणे मॅडम पण आहेत, एस सी ओ आहेत, ते पण चांगले चांगले मोठे मोठे पोस्टवरती आहेत. तर हिजाबला लोकांनी विचित्र नजरेने बघू नये या कारणानिमित्ताने आज महिला दिन निमित्ताने आज मर्सिया पठाणने जे कार्यक्रम घेतले त्याबद्दल मी तिचा फार कौतुक करते आणि तिला शुभेच्छा देते.